yatra yatra raghunath. श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महर्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। उष्णामि च औषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। नारायण।
संपस्थित समादरणीय यति वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, जीवन में यत्न का बहुत महत्व है, परंतु अपने अधिकार की सीमा में ऐसा संदेश और उपदेश तथा हम साधकों के लिए आदेश भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्राप्त है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, इदंते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। इन वचनों के अनुशीलन से यह तथ्य उद्भासित होता है कि अपने अधिकार की सीमा में व्यक्ति यज्ञ दान तप से अपने जीवन को समन्वित करे और भगवान के प्रति उसके हृदय में अत्यंत आस्था भी हो, जिसके प्रभाव से साधन चतुष्टय संपन्नता परिलक्षित हो, उसके बाद प्रयत्न का विषय आत्मानुसंधान होना चाहिए। जो दुष्चरित से विरत नहीं है, इसी प्रकार तपस्या भगवत भक्ति से समन्वित जिसका जीवन नहीं है, देहेंद्री प्राण अंतःकरण में संयम की प्रतिष्ठा नहीं है, कठोपनिषद के अनुसार ऐसा व्यक्ति कदाचित आत्मदर्शन का प्रयास भी करे तो उसे असफलता ही हाथ लगती है। मलिन पात्र में कोई घृत डाल दे, दुग्ध डाल दे, तो उसकी क्या गति होगी। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि और समाधि की योग्यता आवश्यक है। बिना निष्काम भाव से कर्मोपासना का आलंबन लिए चित्त की शुद्धि संभव नहीं है और समाधि भी संभव नहीं है। जिसका चित्त शुद्ध और समाहित नहीं है, विवेक विज्ञान से संपन्न नहीं है, अनात्म वस्तुओं के प्रति जिसके हृदय में अनास्था नहीं है, वह आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करने पर भी आत्मदर्शन से वंचित रहता है, यह अभिप्राय है। नैनम पश्यन्त्य चेतसः, जो प्रमत्त व्यक्ति है, अविवेकी है, उसे आत्मदर्शन नहीं होता। बहुत विचित्र पहेली है, हमने कभी यहां बताया भी होगा कि वेदांतों में अधिकांश शब्दों की प्रवृत्ति साहित्य की शैली में होती है, लेकिन उसका अर्थ दार्शनिक शैली में कसने पर प्राप्त होता है। आपातः जैसा अर्थ परिलक्षित होता है, वैसा ही अर्थ कर लेने पर अनर्थ होता है। उदाहरण के लिए आत्मानुभूति शब्द वेदांतों में प्रसिद्ध है, तो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, आत्म तत्व अनुभव स्वरूप है, अतः अनुभूति का विषय नहीं है, अर्थात अनुभाव्य नहीं है। न तु असत्तया, बंध्या पुत्रादि तो अस्तित्व विहीन है, इसलिए उनका अनुभव संभव नहीं है, परंतु आत्म तत्व अनुभव स्वरूप होने के कारण अनुभाव्य नहीं है, अर्थात अनुभव का विषय नहीं है। पंचदशी कार्य श्री विद्यारण स्वामी जी ने इस संदर्भ में दृष्टांत दिया। कोई अम्ल पदार्थ है,
जिसके संसर्ग से दाल इत्यादि जो खट्टी वस्तुएं नहीं है वे भी खट्टी हो जाती है। कोई मधुर पदार्थ है स्वभाव से, जिसके संसर्ग से अमधुर पदार्थ में भी माधुर्य का संचार हो जाता है। इसी प्रकार लवण है, जिसके साहचर्य से जो नमकीन पदार्थ नहीं है उनमें भी लवण का संचार हो जाता है। अब खट्टे को खट्टा बनाने की क्या आवश्यकता है, और संभव भी कैसे है, वो तो स्वतः खट्टा है। इसी प्रकार जो स्वरूप से ही स्वभाव से ही मधुर है, उसे अन्य किसी वस्तु से मीठे बनाने की क्या आवश्यकता है, वो संभव भी नहीं है। इसी प्रकार जो स्वयं ही लवण है, उसे किस लवणांतर के योग से नमकीन बनाया जा सकता है, ये सब दृष्टांत पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने दिया। इसका अभिप्राय क्या होता है, न तो असत्तया आत्मतत्व अनुभव स्वरूप है, अतः अनुभव का विषय नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह है ही नहीं, अस्तित्व विहीन है, बल्कि अनुभव स्वरूप होने के कारण अनुभव का विषय नहीं हो सकता। मत न लखे जही मत लखे, विचार सागर ने यह भाव व्यक्त किया। भगवतार शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में एक प्रश्न उपस्थापित किया, तो क्या आत्म साक्षात्कार कर्तव्य है। उन्होंने कहा कथमपि नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि असंभव है, असंभव का विधान नहीं होता, असंभव विधेय नहीं होता। अब चौंक जाएंगे ना व्यक्ति, आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग करना अनुचित नहीं है। लेकिन मैंने 2 मिनट पहले कहा स्वप्रकाश आत्मानुभूति ये सब ऐसे शब्द हैं जो साहित्यिक भाषा में प्रचलित हैं, लेकिन इनका अर्थ दार्शनिक शैली से कसना पड़ता है तब लगता है। आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि संभव नहीं है, लेकिन भगवत गीता में तो श्याम सुंदर का वचन है 3रे अध्याय में, यस्त्वात्मरति देवस्याद् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। शब्दों का प्रयोग करना अनुचित नहीं है, लेकिन शब्द के रहस्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। आपाततः आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि का जो अर्थ प्रकट होता है वैसा अर्थ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैयाकरण भी बीच में विघ्न डाल सकते हैं। कर्म कर्ति विरोध, स्वयं ही गम्य स्वयं ही गंता स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कार्य संभव नहीं है। देवदत्त गांव जाता है तो गंता देवदत्त से गम्य गांव पृथक है ना, तो रति का विषय भी आत्मतत्व, रतिकर्ता भी आत्मतत्व, तो वैयाकरणों के अनुसार कर्म कर्ति विरोध की प्रसक्ति है। इसीलिए सर्वज्ञ शिरोमणि भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा अनात्मरति की निवृत्ति में तात्पर्य, क्योंकि आत्मरति संभव ही नहीं है। रतिकर्ता रति का विषय नहीं होगा, तृप्ति ही नहीं बनेगी फिर तो। स्वयं ही ध्याता स्वयं ही ध्येय कैसे हो जाएगा, तब तो तृप्ति नहीं बनेगी ना। इसी प्रकार से आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि भी संभव नहीं है, ऐसे ही आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार आत्मतत्व स्वयं करेगा या कोई अन्य करेगा, अन्य तो करने से रहा, और आत्मतत्व स्वयं ही साक्षात्कार विषय और साक्षात्कार करता कैसे हो सकता है। इसलिए ये सब जो शब्द हैं बड़े भ्रामक हैं, ललित हैं, साहित्यिक शैली में प्रयुक्त हैं और दुर्गम्य हैं। इनका अर्थ अपने आप लगा लेने से बहुत अनर्थ होता है। ऐसे स्वप्रकाश संभव है क्या, स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित
वो कैसे होगा? प्रकाशक भी स्वयं और प्रकाशन क्रिया का विषय भी स्वयं, ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए अंत में अर्थ क्या निकलता है? जो किसी अन्य से प्रकाशित ना हो, स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो, स्वेतर सबका उभासक हो, सविता प्रकाशते के समान प्रकाशनक क्रिया का करते तो जिसमें उपचरित हो, एतादृश ना हो, तादृश ना हो, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष हो, वह है स्वप्रकाश। अब शब्द तो एक ही है स्वप्रकाश, इसको समझने के लिए इतने वाक्यों का हमने प्रयोग किया। अहमर्थ नामक हमारे पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है और पंचदशी है, उस पर श्री रामकृष्ण टीका कार की टीका है, रामकृष्ण जी की टीका है, इन सब को मिलाकर हमने बताया। जब हम कहते हैं स्व प्रकाश तो उसका अर्थ क्या होता है? जो स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित न हो, स्वेतर अपने अतिरिक्त अन्यों का प्रकाशक हो, जिसका कोई अन्य प्रकाशक न हो और जिसमें सविता प्रकाशते के समान प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व भी उपचरित हो, जो ऐसा भी न हो वैसा भी न हो। ये कहाँ लिखा? ऐसा भी न हो वैसा भी न हो पंचदशी में, तादृश भी न हो एतादृश भी न हो, अर्थात कैसा हो? अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष हो। अब वह स्व प्रकाश है तो शब्द को कसना पड़ता है ना। वेदांत बहुत ललित है, साहित्यिक शैली में उसकी प्रवृत्ति होती है लेकिन अर्थ का अधिगम साहित्यिक शैली में नहीं होता। इसीलिए नैनम पश्यन्त्यचेतसः, यद्यपि वह आत्मतत्व अपने अभिव्यंजक संस्थान अंतःकरण या बुद्धि में सन्निहित है, विभु होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति का संस्थान अंतःकरण है, आत्मन्यवस्थित है, आत्मा में अवस्थित है। आत्मा का अर्थ यहाँ पर अंतःकरण में आत्मतत्व अवस्थित है, इसका मतलब सन्निकटता है, साक्षात अपरोक्ष ही है। लेकिन जो अचेतस है, विवेक विज्ञान शून्य है, वैराग्य रहित है, जिनका चित्त शुद्ध और समाहित नहीं है, अकृतात्मा है, दुष्चरित असंयम आदि से जो उपरत नहीं हो पाए हैं, वे प्रयास करने पर भी इस आत्म तत्व का अधिगम नहीं कर पाते, क्योंकि तीन लोक से मथुरा न्यारी। सबसे विकट परिस्थिति यही है कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो कैसे हो, उसकी विधा क्या है, ये तो सबसे जटिल पहेली है। इसको सुलझाने के लिए चित्त क्या हो? भूताकाश से कर्षित न हो, चित्त चित्ताकाश स्वयं चित्त तक ही सीमित न हो, चिदाकाश के अभिमुख हो, तब जाकर इसकी स्थिति बन सकती है। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर देने पर आत्मा को लेकर जो अनर्गल मान्यताएं हैं उनका निवारण हो जाता है। अतद व्यावृत्ति के द्वारा या अतन निरसन के द्वारा जो अवशिष्ट रहता है वह साक्षात अपरोक्ष सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्येक आत्मा है। अतः मुक्ति को परिभाषित किया श्रीमद् भागवत ने, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, यह सार्वभौम परिभाषा है। वेदांती अपने ढंग से इसका अर्थ कर सकते हैं, करते हैं। वेदांत के संदर्भ में यह मुक्ति की परिभाषा है लेकिन सार्वभौम है। जितने वाद आजकल आत्मा को लेकर हैं, कदाचित कुछ नए वाद भी उत्पन्न हो जाएं या उत्पन्न कर दिए जाएं, तो भी मुक्ति की यही सार्वभौम परिभाषा चरितार्थ होगी। जिस दार्शनिक को आत्मा का जो स्वरूप मान्य है या जैसा आत्म तत्व मान्य है,
उसके अतिरिक्त जो आत्मा को लेकर उसने मान्यता पाल रखी है उसका निरसन कर देने पर आत्मानुरूप आत्ममान्यता सुदृढ़ हो जाए तब उसका नाम मुक्ति है। यह मुक्ति की सार्वभौम परिभाषा है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, तो यहाँ पर अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, फलात्मक आनंदमय कोष, प्रिय मोद और प्रमोद, बीजात्मक आनंदमय कोष, सुसुप्तिगत आनंद, इन सब से अतीत ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, जो ब्रह्म तत्व है वही प्रत्यगात्मा है, वही आत्मा है, अहमस्मि। भगवत पाद शंकराचार्य जी ने कहा कि वह आत्म तत्व कोई अन्य नहीं, मैं ही हूँ। इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। अतत्व का परिज्ञान होगा तब तो अतत्व का निरसन होगा ना। अब प्रश्न यह उठता है, केवल जो भावुक होते हैं प्रमाण सहिष्णु नहीं होते। भावना तो निधिध्यासन है ना, उसका बहुत महत्व है। प्रज्ञा, भावना, धृति, इसका बहुत महत्व है, लेकिन प्रमाण सहिष्णुता के बाद भावना का महत्व होता है। नहीं तो श्री भ्रांतिकार वाचस्पत मिश्र जी ने बताया, विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार वत कोरी भावुकता हो जाती है। जिसकी पत्नी दम तोड़ चुकी है, अर्थात जो पत्नी से वियुक्त हो चुका है वो विधुर है, भावना की प्रगल्भता से अपनी मरी हुई पत्नी का चिंतन करता है, भावना के उद्रेक में उसे पत्नी का अधिगम संगम भी मिल जाता है, लेकिन वाचस्पत मिश्र जी ने कहा वो प्रमाण सहिष्णु नहीं है, इसीलिए कोरी भावुकता से यहाँ काम नहीं चलते। अब एकाएक सर्वम खलुदम ब्रह्म का उपदेश कर देंगे तो सर्व को तो समझा नहीं, और सर्व से अतीत जब आत्मा को नहीं समझेंगे तो आत्मा की या ब्रह्म की सर्वरूपता का ज्ञान कैसे होगा। पहले इतरता, इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरता। इतरता माने तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा कि सर्व तत्व सर्व है, ब्रह्म तत्व सर्व है, क्योंकि वस्तु के परिच्छेद शून्य है, सर्व होता हुआ सर्वगत है या सर्वगत होता हुआ सर्व है। सर्व उरालय प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित है, लेकिन सर्व रहित सब उर्पुरवासी भी का सर्व उरालय तो है लेकिन सर्व रहित भी है। तो पहले सर्व रहित समझना चाहिए ना, सर्वातीत समझेंगे तब आत्मा की सर्वरूपता का अधिगम होगा। तो यहाँ पर बाह्य जगत के अतिरिक्त हमारे पास क्या क्या है, अन्नमय कोष अर्थात स्थूल शरीर है, इसके बाद प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, इन तीन कोषों को लेकर सूक्ष्म शरीर की निष्पत्ति होती है। जागृत और स्वप्न में प्रिय मोद और प्रमोद मनोमय विज्ञानमय कोष को लेकर उच्छलित होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में आनंद की जो स्फूर्ति होती है वह अविद्यावृत्ति को लेकर होती है, तो हमको फिर आनंदमय कोष का भी ज्ञान प्राप्त करना होगा। उसके दो प्रभेद हमने किया है, पंचदशी कार के शब्द हैं प्रतिबिंबात्मक बिंबात्मक, उसी को मैंने अपने शब्दों में डाल दिया फलात्मक बीजात्मक, भाव एक है, शब्द में अंतर है तथ्य में भेद नहीं है। तो एक नियम, जिस नियम से हमने लाभ उठाया कि जिसका कालक्रम से वियोग हो जाता हो और जिसका वियोग सुहाता या रुचता भी हो वह आत्मा नहीं है, एक नियम मन में स्थिर कर लें, इसके आधार पर विचार करें तो सुगमता भी रहेगी,
और तत्व पंचकोशों से अतीत है। मैं अर्थात मेरा वास्तव रूप पंचकोशों से अतीत है, इसे समझने का मार्ग प्रशस्त होगा। देखो डर जाते बीमारी से तो बोल नहीं पाते, बीमारी न छा जाए। मैं बीमार तो हो गया ना, नैनम पश्यन्त चेतसा, बीमार बीमारी को हमने आत्मा पर लाद दिया तो बीमार हो गए। बीमारी है अपनी जगह, मैं के साथ उसको जोड़ दिया तो मर गए। दुख आता है जाता है, सुख आता है जाता है, रोग आते हैं जाते हैं। वो भयंकर रोग तब हो जाता है जब मैं बीमार, इसीलिए बीमारी को हमेशा दृष्टि बना के रखना चाहिए। तो उसकी व्याप्ति नहीं के बराबर होती, और जब उसको आत्मा के साथ चाशनी बना लेते हैं, आत्मा पर हावी होने देते हैं, तो फिर मर जाता व्यक्ति, कराता रहता। तो हमने क्या संकेत किया, जिसका वियोग कालक क्रम से होता हो, जिसका वियोग समय पर सुहाता भी हो भाता भी हो, वह अनात्मा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रभि इति तद्विदः। मात्रा स्पर्शास्ति कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्तां प्रतीक्षस्व भारत। और महाभारत में वैशंपायन ऋषि का वचन है, वियोगो दोषदर्शी या संयोगम सविसर्जयेत असंगे संगमो नास्ति दुःखं भू वियोगजम। तो इन सब को मिलाकर भगवत कृपा से एक नियम बन गया। क्या बनाया नहीं कह रहा, बन गया। उसमें भी श्री रामतीर्थ जी ने लिखा, जितने अनुसंधान होते हैं, आविष्कार होते हैं, जब चित्त भगवत तत्व से संश्लिष्ट होता है, या चित्त भगवत तत्व के अभिमुख होता है, या भगवदाकार होता है, उस समाधि की स्थिति में ही इस प्रकार के दिव्य भाव की प्राप्ति होती है, स्वामी रामतीर्थ जी ने लिखा। लेकिन बाद में व्यक्ति उस पर अपनी मुहर लगा लेता, यही जीव भक्त है। बिना भगवत तत्व के सन्निकट पहुंचे, चित्त जब तक भगवदाकार न हो, तब तक तो कोई दिव्य ज्ञान की स्फूर्ति हो ही नहीं सकती है। उस दिव्य ज्ञान पर मैंने मैंने ये मुहर लगा लेने पर विकृति आ जाती है। तो क्या हुआ, जिसका वियोग कालक क्रम से होता हो, और जिसका वियोग सुहाता या भाता भी हो, वह अनात्मा है। वियोग का दो भेद, वियोग के दो भेद कर लेना चाहिए। एक अभानात्मक वियोग होता है, एक स्वरूपता वियोग होता है। अभानात्मक वियोग को लेकर मैंने बात कही, जिसका वियोग कालक क्रम से होता हो, और जिसका वियोग सुहाता भी हो, जिसके वियोग की प्रतीक्षा भी हो, वह आत्मा नहीं है, अनात्मा है। इस दृष्टि से विचार करें तो वह क्षेत्र कोटि का पदार्थ है, मैं नहीं, अतः व्यावृत्ति का स्वरूप यह है। अब उदाहरण के लिए, गाढ़ी नींद जो है ब्रह्मास्त्र है। इस संदर्भ में जब गाढ़ी नींद का वेग आता है, तब स्त्री भवन पुत्र जो भी बाह्य पदार्थ हैं, सबसे आंख मीचने की भावना आती है या नहीं? या क्या हुआ, इनके अनात्मत्व के निश्चय का मार्ग प्रशस्त हो गया। फिर गाढ़ी नींद का जब वेग आता है, तब स्थूल शरीर को भी भूलने की भावना बनती है या नहीं? स्थूल शरीर को भुलाए बिना गाढ़ी नींद होगी? नहीं होगी।
यह भी अनात्मा है। ऐसे कोई शरीर पर आघात करे तो बहुत कष्ट होता है, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन शरीर को भुलाए बिना नींद नहीं आ सकती। अभानात्मक वियोग की सहिष्णुता तो है ही ना। गाढ़ी नींद का जब वेग आता है तो शरीर के अभानात्मक वियोग की सहिष्णुता आ जाती है। त्याग की सहिष्णुता किस अवस्था में कितनी कोटि की होती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। त्याग कहीं हठात बलात् या मजबूरी में भी हो जाए तो भी अपना फल दे देता है, और कहीं सत्याभिनिवेश पूर्वक हो तो पूरा फल देता है। छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के भाष्य में इस बार यह तथ्य प्रकाशित हुआ कि मृत्यु है, उसमें तो हर व्यक्ति सत्य को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु का अर्थ होता है कि जीव सुषुप्ति से भी ऊपर उठेगा तब तो मौत है ना। सत्य में जाकर जीव का सन्निवेश हो ही जाता है, लेकिन रहस्य बोध न होने के कारण, सत्याभिनिवेश पूर्वक देह त्याग न करने के कारण, असत में अभिनिवेश होने के कारण, फिर सत में प्रविष्ट होकर सत से एक होकर यथावत कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य होता है। और जो मृत्यु के साथ साथ रहस्य बोध की धारा बहा देता है, सत्य के प्रति अभिनिवेश पूर्वक देह त्याग करता है, वो मरने के बाद न उत्क्रमण करता है न पुनर्भव, सुषुप्ति में प्राण का संश्लेष बना रहता है। अभानात्मक वियोग तो प्राण का होता है, लेकिन मृत्यु में तो उसका भी विलय हो जाता है अपने कारण में। ऐसी स्थिति में जीव सत्य में ही विलीन होता है। कोई भी मरे, पापी चाहे पुण्यात्मा चाहे तत्वज्ञ, देह त्याग करे चाहे मुमुक्ष हो, लेकिन सत्य में अभिनिवेश न होने के कारण मरने वाला व्यक्ति फिर अपनी भावना अपने कर्म के अनुसार शरीरेंद्रीय देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को प्राप्त कर लेता है। तो शरीर के वियोग की भावना होती है और गाढ़ी नींद में शरीर का अभानात्मक वियोग हो जाता है, अतः अन्नमय कोष आत्मा नहीं है। अब ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रीय के सहित प्राण को या कर्मेन्द्रियों के सहित प्राणों को भी भुलाकर सोने की भावना होती है। इंद्रियां प्रिय हैं, प्राण भी प्रिय है, लेकिन प्राणमय कोष को भुलाकर सोने की भावना होती है, और सुषुप्ति में इनका अभानात्मक वियोग भी हो जाता है, इसलिए प्राणमय कोष आत्मा नहीं है। मनोमय कोष पंच ज्ञानेन्द्रियों के सहित मन को भुलाने की आवश्यकता होती है जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है, और सुषुप्ति में इनका अभानात्मक वियोग भी हो जाता है, इसलिए मनोमय कोष भी अनात्मा है। बहुत सुगम प्रक्रिया है, शीघ्र फल देने वाली प्रक्रिया। अब रह गया विज्ञानमय कोष, पंच ज्ञानेन्द्रियों के सहित जो बुद्धि है उसको भी भुलाकर सोने की भावना होती है, और सुषुप्ति में पंच ज्ञानेन्द्रियों के सहित बुद्धि का भी अभानात्मक वियोग हो ही जाता है, अतः विज्ञानमय कोष भी अनात्मा है। अब फलात्मक आनंदमय कोष, प्रिय मोद और प्रमोद, इनको भी भुलाकर सोए बिना व्यक्ति सो ही सकता है, सो ही नहीं सकता। तो भुलाकर सोए बिना व्यक्ति विक्षिप्त या पागल होने से नहीं रह सकता। यहीं आकर के भौतिकवाद घुटना टेक देता है। विषयेंद्रिय संयोग से जो प्रिय मोद प्रमोद अभीष्ट, विषयेंद्रिय संयोग से जो प्रिय मोद प्रमोद की अभिव्यक्ति होती है, उसी का नाम काम है। तैत्तरीय उपनिषद में जिसको प्रिय मोद प्रमोद कहा गया, महाभारत के वन पर्व में
भीमसेन जी ने काम की यही परिभाषा की, वो काम ही है, वो उसी का नाम काम पुरुषार्थ है, उसी को तैतृय उपनिषद में प्रिय मोद और प्रमोद कहा गया। प्रिय मोद और प्रमोद का बहुत महत्व है, लेकिन विषय जन आनंद तो है ही, अगर उसका भी वियोग ना हो तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाए। पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने कम्युनिज्म पर या भौतिकवाद पर पानी फेरने के लिए अच्छा प्रश्न उठाया, जिसे किसी प्रकार का ताप प्राप्त है, जिसे किसी प्रकार की वेदना प्राप्त है, वह कदाचित दुख को, ताप को, वेदना को कुछ भी कहे, भुलाने के लिए सोना चाहता है तो बात समझ में आती है। लेकिन जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सुलभ है, वह प्रिय मोद और प्रमोद को क्यों भुलाना चाहता है? बहुत ऊंची बात है, आनंद ही तो चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा बताया, दिव्य बोध। उन्होंने कहा कि देखो, सुख और आत्मा का लक्षण एक है, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती, अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है। अब सुख के साथ ये लगा दीजिए, सुख में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती है, अन्यों में प्रीति सुख के लिए होती है। बात ठीक है, ये पूज्य गुरुदेव ने हमको एकांत में बताया, हम आपको सभा में बता रहे, अंतर इतना, वहां बताया जहां तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। 108 से ज्यादा उपदेश दिया होगा एकांत में 6 महीने तक। तो उन्होंने कहा कि सुख और आत्मा का लक्षण एक हो गया, लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, लेकिन कौन सा सुख आत्मा है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर प्रिय मोद प्रमोद जो सुख है इसी को आत्मा मानेंगे तो बात नहीं बनेगी। प्रिय मोद और प्रमोद परम प्रीति के विषय होते हैं तो इनको भुलाकर सोने की भावना क्यों होती? तो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने कहा, जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहां त्रिपुटी होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। सुख का भोक्ता हो गया जीव, सुखानुभूति का नाम है भोग, और सुखप्रद जो सत्चंदन वनिता आदि कुछ भी हो, रबरी कचौरी मालपुआ आदि, वो भोग्य। तो जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, तृप्ति जहाँ होती है वहाँ द्वैत होता है। द्वैत का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक। द्वैतवाद त्रैतवाद कहने की आवश्यकता नहीं। अजहल लक्षणा, 2 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, 2 कौर पा लीजिए, 2 शब्द बोल दीजिए, इसका मतलब क्या है? दो ही, दो भी, दो से अधिक भी, दो तो है ही, दो से अधिक भी। इसी प्रकार से जहाँ द्वैत होता है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ द्वैत होगा वहाँ श्रम होगा या नहीं? इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, सपने हूँ नहीं सुख बात, द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। सपने हूँ नहीं सुख, द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। बृहदारण्य उपनिषद ने कहा, द्वितीयाद वही भयम भवति, भागवत में कहा गया भयं द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्, 11वें स्कंद में। तो जहाँ चिपटी होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। हवा में नींद बहुत आती लोग, ये देखो गिरना मत, ज्यादातर सोता तो सो ही रहे। अच्छा तो मैं भी सो ही गया होता। तो जहाँ चिपटी होती है वहाँ द्वैत होता है। एक ऋषिकेश में व्याकरण पढ़ाते थे संत, पूज्य गुरुदेव ने बताया, एक ब्रह्मचारी जी भी पढ़ते थे और पढ़ाने वाले सदगृहस्थ थे। किसी ने कहा, ये पंडित जी गुरु जी, ये विद्यार्थी सोता रहता है। तो
पर आने वाले ने कहा, क्यों ब्रह्मचारी जी, आप सोते रहते हैं जब मैं पढ़ाता। महाराज, घोड़े भी ये पाठ को सुन के सो जाए, मैं तो हंस रहे हंसी हो गई, घोड़े भी इस पाठ को सुन करके सो जाए तो मैं तो मनुष्य हूं, हंसी हो गई। तो क्या मतलब हुआ, जहां चुपटी होती है वहां द्वैत होता है, जहां द्वैत होता है वहां श्रम होता है, और जहां श्रम होता है वहां खालिस प्योर निरतिशय आनंद नहीं होता। अरबी कोश में हिंदू का अर्थ खालिस होता है, अरबी शब्द कोश में हिंदू का अर्थ खालिस है। लोगों ने बहुत भ्रम फैला रखा तो मुसलमानों के द्वारा दिया गया हिंदू शब्द बहुत प्राचीन है, मेदिनी तंत्र कालिका पुराण ऋग्वेद तक में हिंदू शब्द का प्रयोग है। ईसा के क्या नाम है, ईसा मूसा, इन सब का जन्म भी नहीं हुआ था, अब मोहम्मद जी का, उससे प्राचीन शब्द। तो अरबी कोश में हिंदू शब्द का अर्थ दिया गया है खालिस, माने विशुद्ध शुद्ध। इसका मतलब जहां तृप्ति होती है वहां द्वैत होता है, जहां द्वैत होता है वहां पर क्या होता है, श्रम, और जहां श्रम होता है वहां खालिस प्योर या शुद्ध आनंद नहीं होता। अतः तृप्ति गर्भित जो आनंद है उसको भुलाकर सोने की आवश्यकता होती है। अब रह गया कि संसुप्त जो आनंद है, गाढ़ी नींद में जो आनंद है, अन्य दार्शनिक कहेंगे दुखा भाव होता है सुसुप्ति में, आनंदोपलब्धि नहीं होती। इस पर भी पंचदशीकार की दृष्टि बहुत दिव्य है। 1572 श्लोक पंचदशी में दो ग्रंथ तो अपने ऊपर कृपा करके और संप्रदाय पर कृपा करके दो ग्रंथों तैयार रखना ही चाहिए। प्रमाण प्रधान वेदांत परिभाषा और प्रमेय प्रधान पंचदश, दो ग्रंथ सदा होना चाहिए। प्रमाण और प्रमेय दोनों में अबाध गति हो तो सत संप्रदाय की रक्षा होती, और अपने अंदर चिज्जड़क ग्रंथि के भेदन का बल और वेग प्राप्त होता है। और हमको तो यह अध्ययन बहुत सुख दे रहा है क्योंकि मनुवादी होकर मैं घूमता हूं, लेकिन 5 वैज्ञानिक अभी आए जालंधर में, सब सज्जन थे, कोई भौतिक शास्त्र के, कोई रसायन शास्त्र के अलग, कोई गणित के, 5 थे। उन्होंने 1 घंटे तक आप एक एक करके प्रश्न किया, हमने उत्तर दिया, कहां से दिया जी, न मेरे पास फिजिक्स न केमिस्ट्री न गणित कुछ भी नहीं, उत्तर कहां से दिया। वो सब कोई बरगलाने, हम तो बरगलाते नहीं किसी को, वो सब तो विशेषज्ञ थे। सब ने सोचा कि हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं के बराबर ज्ञान। ये सब जो है ना, श्रृंगेरी के पूज्य शंकराचार्य जी, जिनका शरीर अब नहीं रहा, उन्होंने हमको एक ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान। उन्होंने कहा, सुनो, मैं 3-3 घंटे न्याय जो पढ़ाते हैं पंडित जी, गोपाल कृष्ण जी पढ़ाते थे, उस कक्षा में बैठता हूँ, बीच बीच में हस्तक्षेप करते थे, मैं भी 3 महीने वहां 87 दिनों तक वहां बैठा हूँ न्याय कक्षा में श्रृंगेरी में, तो फिर भी मैं 4-5 घंटा नित्य अध्ययन करता हूँ। अब बताओ मुझसे, मुझे कौन सी विद्या नहीं आती, अपने विषय में, सब विषयों में मैं पारंगत विद्वान हूँ, ऐसे ही बोलते, मेरी सानी का कोई विद्वान हो तो भिड़ा देना, ऐसे ही बोलते थे, थोड़ा विद्या का होता है तो मैं तो मुस्कुराता था और क्या कर। लेकिन ये बताओ कि ब्रह्मचारी, फिर भी मैं 4-5 घंटा पढ़ता हूँ। हमने कहा, मुझे क्या पता, आप बताइए। उन्होंने कहा, देखो एक बार पादरी आ गया, वो मुझ पर दाव फेरने लगा, अपने मत से प्रभावित करने का प्रयास करने लगा, तो मैंने सोचा, शंकराचार्य जी के शब्द, मैंने सोचा अभी जो शंकराचार्य जी, इनको ये पता हो या न पता हो, बहुत सी ऐसी चीज है मेरे पास, जब श्रृंगेरी वाले एकांत में मिलते हैं, मैं कहता हूँ आपके गुरुजी ने मुझे ये बताया, ये बताया, तो कहते मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि तब मैंने सोचा
जब मैं इतना पारंगत विद्वान हूं तब यह मुझ पर हाथ फेर रहा है, तो मेरे जो शिष्य हैं, चेले चेली हैं, यानी हम आचार्यों के जो शिष्य प्रशिष्य हैं, चेले चेली हैं, जो भी हैं, उनको तो खा ही जाएंगे, उनके पास तो ज्ञान विज्ञान नहीं है। फिर उन्होंने कहा, तब मैंने पढ़ने में आलस्य थोड़ा भी नहीं, कुछ भी था तो उसको छोड़ दिया कि बिल्कुल तीक्ष्ण तलवार की धार के समान ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, अपने हित के लिए, कि जड़ ग्रंथि के भेदन के लिए, और बाहर जो है कोई भी विश्व का तार्किक आ जाए, वैज्ञानिक आ जाए, वो हमारे धर्म और सिद्धांत पर वार करे तो उसका वार विफल करने के लिए भी ये होना चाहिए। तो हमने सोचा, पढ़ने में तो मेरी रुचि थी ही, एक आचार्य जी ने ये कहा तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, अन्य जो दार्शनिक हैं वो क्या कहते हैं, दुखा भाव है सुसुप्ति में, आनंदोपलब्धि नहीं। पंचदशीकार ने मुंहतोड़ उत्तर दिया उनको, क्या कहा कि किसी स्थल पर कक्ष विशेष में प्रामाणिक ढंग से सिद्ध हो जाए कि अंधकार नहीं है, तो वहां प्रकाश का अस्तित्व माने बिना अंधकार नहीं है कहना बनेगा क्या? अरे अंधकार नहीं है तो प्रकाश तो मानना पड़ेगा ना, प्रकाश के प्रताप से अंधकार नहीं है ना। तो जब यह सिद्ध हो गया कि सुसुप्ति में दुखा भाव है, सर्व सिद्धांत है, सर्वमान्य तथ्य या सिद्धांत है, तो फिर सुसुप्ति में आनंद की विद्यमानता तो माननी पड़ेगी। लेकिन वह जो आनंद है सुसुप्ति में, जो भोग्य बनता है, जिसके योग से जीव को आनंद भुक कहते हैं सुसुप्ति में, या प्राज्ञ को आनंद भुक कहते हैं, उस अवस्था के टूटने की भी भावना हृदय में बनी रहती है? नहीं रहती है। कहीं ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया ही रह जाऊं। इसका मतलब सुसुप्ति भी अगर परम प्रीति का विषय हो तो सुसुप्ति से व्युत्थान की भावना व्यक्ति के हृदय में सन्निहित ना हो। तो सुसुप्त आनंद भी आत्मा नहीं है, पूज्य गुरुदेव ने कहा। अंत में बड़ी विचित्र बात है, अभोग्य होता हुआ साक्षात अपरोक्ष जो है वही आनंद है। भोग्य कोटि का आनंद सुसुप्ति में है, जागृत स्वप्न में है। अभोग्य होता है मैंने स्वप्रकाश आनंद का नाम ही आत्मा है। अब आत्मा और आनंद का लक्षण एक हो गया, नहीं तो सुसुप्तिगत आनंद या जागर और स्वप्न में जो प्रिय मोद प्रमोद के रूप में आनंद परिलक्षित होता है, उसमें आत्मा का लक्षण चला जाएगा। इसलिए वे तो परम प्रेमास्पद नहीं, प्रिय मोद प्रमोद और सुसुप्त आनंद परम प्रेमास्पद नहीं, बहुत विचित्र बात। इसीलिए पंचदशीकार ने कहा, ऐ सांख्यवादियों, आत्मा को तुम आनंद स्वरूप क्यों नहीं मानते? सच्चित ही मानते ना सांख्यवादी। योगी आत्मा को सच्चित आनंद तीनों मानते हैं, सांख्यवादी केवल सच्चित मानते, आनंद नहीं मानते। तो सांख्यवादियों ने कहा, यदि आत्मा को आनंद मान लूंगा तो आनंद का भोक्ता कौन होगा? पुरुष को, आत्मा को आनंद मान लूंगा तो स्वयं ही भोग्य, स्वयं ही भोक्ता, तब तो कर्म कर्तृ विरोध का प्रसंग होगा। इसलिए आत्मा को आनंद तो चाहिए, हमको आपको किसकी प्यास लगी है? आनंद की प्यास। आनंद तभी हमारा भोग्य हो सकता है जब उसे आत्मा न माने। तो पंचदशी काल में कहा, जब आनंद भोग्य ही बन जाएगा तब आनंद रहेगा। बहुत मनोरम शास्त्रार्थ है, यानी आनंद भोग्य नहीं बनेगा तो उसका रहना ही व्यर्थ, यह संख्यों का दृष्टिकोण है। पंचदशी कारण का आनंद जब भोग्य बन जाएगा, अयोग के गर्भ से टपकेगा, वियोग रूप गर्त में जाके समा जाएगा, अंत में तापप्रद ही होगा ना। इसलिए फिर क्या होना चाहिए, गला घोंट के मारने की बात तो नहीं होनी चाहिए। स्वरूपतः आत्मा परम प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद रूप है, लेकिन सुस्थिर समाहित शुद्ध और समाहित चित्त पर उसका स्फुरन होता है। तो आनंद भोग्य भी बन गया और भोग्य नहीं भी बना।
स्वरूपता आनंद आत्मा है, लेकिन अंतःकरण के योग से वो भोग्य बन जाता है। इसीलिए कहा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातः चेतना धृति सुखम सुखम भी आया या नहीं क्षेत्रम। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम सुखम क्षेत्रम। क्षेत्र कोटि का यह हो गया। क्षेत्र कोटि का जब सुख होगा तो भोग्य हो जाएगा। आया कहाँ से? उद्गम स्थान तो स्वरूपभूत आनंद ही है। अभिव्यंजक स्थान कौन है? शुद्ध और समाहित चित्त। तो आत्म साक्षात्कार की विधा यह है कि अतद व्यावृत्ति के द्वारा वह आत्म तत्व अधिगम का विषय बनता है। उसमें भी वृत्ति व्याप्य है, फलव्याप्य नहीं है। अगर फलव्याप्य हो जाएगा तब तो घटपटादि के समान दृश्य हो जाएगा, और वृत्ति व्याप्य भी नहीं होगा तो निरावरण नहीं हो पाएगा आत्म तत्व। इसलिए उसे निरावरण करने के लिए वृत्ति व्याप्य माना जाता है, लेकिन भाष्य होने से बचाने के लिए फलव्याप्य नहीं माना जाता। दर्पण में सूर्य प्रतिफलित होता है, खुले आकाश में जब नभोमंडल में सूर्य उद्दीप्त हो, दर्पण को सूर्य के अभिमुख कर दीजिए, सूर्य का जो प्रतिफलन प्रतिबिंब है वो दर्पण में सन्निहित है, वह सूर्य में अतिशयता का आधान कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। सूर्य को प्रकाशित थोड़े करेगा उसका प्रतिबिंब। इसका मतलब दर्पण में आदित्य तो है, उसको दर्पण आदित्य कहते हैं। प्रतिबिंब रूप से आदित्य है, लेकिन वो दर्पणादित्य जो है वो खादित्य को, नभोमंडल में विद्यमान आदित्य को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं। इसी प्रकार जो ब्रह्माकार चरम वृत्ति होती है उसमें चिदाभास तो होता है, फल माने चिदाभास, फल अव्याप्य माने फल करता है। यहाँ चिदाभास, चित छाया या चित प्रतिबिंब, तीनों में किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब अंतर भेद है, लेकिन अंत में चित छाया में भी चित शब्द है, चित प्रतिबिंब में भी चित शब्द है, और चिदाभास में भी चित शब्द है। इसलिए अवान्तर भेद होने पर भी छाया आभास प्रतिबिंब एक कोटि के पदार्थ हो जाते हैं, क्योंकि मूल में चित तत्व है। चित छाया, चिदाभास, चित प्रतिबिंब तीनों शब्दों का प्रयोग उपनिषदों में पंचदशी आदि में हुआ है। तो सार क्या निकला? सार यह निकला कि वृत्ति सगर्भा होती है। यह शब्द भगवत के पास से मेरा बनाया हुआ है, गढ़ा हुआ है, इसलिए जब तक मैं अर्थ बताऊं तब तक कठिन है समझ माना, काल्पनिक है, मेरे द्वारा रचा गया है दार्शनिक। सगर्भा, वृत्ति सगर्भा होती है, इसका मतलब उत्पन्न होती है प्रतिबिंब सहित ही, चिदाभास सहित ही वृत्ति उत्पन्न होती है, इसे सगर्भा होती है। अब उसको उधर दृष्टांत में, कोई कोई कन्या ऐसी जन्म लेती है कि जन्म लेने से ही गर्भवती होकर ही जन्म लेती है। जो पिता असंयमी होते हैं, जब पत्नी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जब वो अंतर्वती होती है उस समय स्पर्श करते हैं तो वो गर्भगत शिशु के मुख में अंश चला जाता है। कभी कभी करोड़ों में कोई कोई कन्या जन्म से ही गर्भवती होती है, उसको कहते हैं सगर्भा। इसी प्रकार वृत्ति सगर्भा होती है, लेकिन जब वो वृत्ति सगर्भा होती है, मन चिदाभास चित प्रतिबिंब या चित छाया संयुक्त होती है, वो जब चित धातु की ओर उन्मुख होती है, तब उसमें सन्निहित जो आभास होता है, प्रतिबिंब होता है या छाया होती है, वो तो बिंब से तादात्म्यपन्न होकर रहती है, अतिशयता का आधान नहीं करती, लेकिन उस प्रतिबिंब के प्रभाव से वो वृत्ति प्रमाण जन्य वृत्ति है ना, उस प्रतिबिंब के प्रभाव से वो प्रमाण जन्य जो वृत्ति होती है वो आत्मा को निरावरण कर देती है। इसलिए निरावरण आत्मा का नाम मोक्ष है। अब कोई कह सकता है कि आवरण आई नहीं, स्वप्रकाश से कुतो विद्या ताम बिना कथमावृत्ति। नैयायिकों की ओर से पूर्व पक्ष कहां पंचदशी में? एक बार मैं प्रयाग में बोल रहा था, जिस पद पर मैं हूं उस शंकराचार्य पद पर, एक शंकराचार्य जी आए, 3 मिनट 2 मिनट मेरा प्रवचन सुना,
होगा। निरावरण आत्मा का नाम मोक्ष है, इतना वचन मेरा चला गया उनके हृदय तक। अब मैंने सोचा शंकराचार्य हैं, शिष्टाचार है, मैं बैठ कर सुन लो मेरा प्रवचन समझा होगा श्रोताओं ने उस ढंग से। उन्होंने उसका खंडन करना शुरू कर दिया। हमने सोचा मुंह कौन लगावे, जनता खामखा लड़ना झगड़ना ठीक नहीं ना। तो हमने सोचा लो मधुसूदन सरस्वती जी ने अद्वैत सिद्धि में जटिल शास्त्रार्थ प्रस्थापित किया। मोक्ष क्या है हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको पढ़ाया, उसमें कहा कि देखो ये जगत द्वाल, महाराज के शब्द हैं, इतना जगत द्वाल ध्यान न रहे। मेरी ओर मुख करके कहा, पढ़ने वाले चार पांच थे, तो मेरी बात गांठ बांध लो, इसका लव्यो लगाव सार ये है कि निरावरण आत्मा का नाम मोक्ष है। तो नैयायिकों के यहाँ तो आत्मा स्वप्रकाश नहीं है, उन्होंने पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया स्वप्रकाश से कुतो विद्या। कहिए वेदांति जी आत्मा आप आत्म तत्व आपका स्वप्रकाश है, उसमें अविद्या कहाँ से आई। प्रचंड मार्तंड मंडल में तमिश्रा रात्रि की कल्पना के तुल्य स्वप्रकाश आत्मा में अविद्या कहाँ से आई। जब अविद्या ही की सिद्धि नहीं है तो ताम बिना कथम आवृत्ति ही, अविद्या के बिना आवरण कैसे संभव है, फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न भी क्यों आवश्यक। तो उन्होंने कहा कि पंचदशी काल ने क्या कहा, पंचदशी काल ने कहा कि तर्कणा शक्ति का दुरुपयोग करने लगे हो क्या। अरे तर्क जो है अनुभव तक, प्रामाणिक अनुभव तक पहुंचाने के लिए है, अनुभूति का उच्छेद करने के लिए तर्क थोड़े है। अनुभव अहमज्ञ अनुभव है या नहीं। तो उपनिषदों में आया और रामचरितमानस में आया, हमारे पूज गुरुदेव ने बताया उन्हीं कुकल्पित उन्हीं के द्वारा कल्पित है। क्या प्रचंड मार्तंड मंडल में जैसे तमिश्रा रात्रि घनघोर अंधकार उन्हीं के द्वारा समर्थ प्रतिपादित है, और गवाह के लिए चमगादड़ साहब है। चमगादड़ साहब ने कहा, उल्लू साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार क्या है, अज्ञ जो जीव है उसके द्वारा स्वप्रकाश आत्मा में अविद्या का आरोप हो जाता है अहमज्ञ। उस आरोप के निरसन के लिए फिर श्रवण मनन ध्यासन इत्यादि है। अतः कहा गया, गुरुदेव ने बताया कि निरावरण आत्मा का नाम मोक्ष है। यहीं पर जाकर श्रवण मनन ध्यासन की सार्थकता होती है। तो स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते, महोपनिषद आदि में जो वचन है स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते, सत्यार्थ प्रकाश में भी यह वचन उद्धृत है। और इसका अर्थ है कि वृत्ति व्याप्य अवश्य है, और जहाँ पर उसे मन वाणी आदि से अगोचर बताया गया असंस्कृत मन वाणी की गति वहाँ नहीं है, और अंत में फल व्याप्य न होता हुआ भी आत्म तत्व वृत्ति व्याप्य अवश्य है। अभी आत्म साक्षात्कार की बात और सार्वजनिक सभा में विशद ढंग से बताना उचित है, इतना मैंने बहुत बता दिया। भगवत कृपा से आगे का श्लोक चलेगा कर्ता। अब इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, तादात्म्य पत्ति है, मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ, लो जी एका स्थूल शरीर को लेकर मैं गृहस्थ हूँ और नीचे चले गए, मैं पुत्रवान हूँ और नीचे चले गए, जमींदार हूँ और नीचे चले गए, मैं को कहाँ तक पहुंचा दिया, नीचे घसीट के ले गए। फिर मैं दृष्टा हूँ, नेत्रेन्द्रीय में तादात्म्य पत्ति को लेकर, वो दृष्टा अलग है, और जब केवल एक इंद्रिय में तादात्म्य पत्ती को नाम लेकर मैं श्रोता हूँ, श्रोत इंद्रिय को लेकर मैं घाता हूँ, नासिका को लेकर मैं मनता हूँ, मति को लेकर मैं बोधा हूँ, बुद्धि को लेकर मैं प्राणी हूँ, प्राण को लेकर, तो जो जो तत्त कोशिस्तु तादात्म्यात आत्मा तत्तन्मयो भवे, पंचदशीकार का वचन है। ये पांचों कोश को लेकर जितनी ध्वनियां प्रकट होती है सबको इकट्ठा कर लें, बल्कि लिख लें या दृष्टि के सामने रखें, उसमें से दृष्टा माइनस ऋण दृष्टि, अब दृष्टा क्या रह गया, श्रोता ऋण श्रुति श्रोतेन्द्रिय, फिर श्रोता क्या रह गया, इस तरह से कर्ता ऋण करण, अब कर्ता क्या रह गया, भोक्ता भी है ना, भोक्ता
ऋण भोग अब क्या रह गया, या ज्ञानेन्द्रिय जिसके माध्यम से भोग होता है, ऐसे ही कर्म सुखी सुखी हो गया ना, दुखी हो गया ना। इस प्रकार से एक एक कोष को लेकर जो तादात्म्य पत्ति होती है, एक एक कोष में एक एक भेद को लेकर उन सब का निरसन करके अतद व्यावृत्ति के द्वारा जो तत्व अवशिष्ट रहता है वही है। तो श्रोता संज्ञा का लोप होगा, तत्व का लोप नहीं होगा। हर हर महादेव। ये भाई अब देखो उठ ही ले जाएगा शरीर।